हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने जीमेल आईडी या फिर ईमेल आईडी को हमेशा के लिए कैसे डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में जीमेल ऐप को ओपन कर लेना है। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है थ्री लाइन का, अब आपको फ्रेंड्स पर क्लिक करना है। अब आपको फ्रेंड्स नीचे की ओर आना है। नीचे की ओर आने के बाद फ्रेंड्स, अब आपको एक ऑप्शन मिलता है हेल्प एंड फीडबैक, आपको फ्रेंड्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाता है। फ्रेंड्स, अब आपको डिलीट योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने फ्रेंड्स कुछ तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब आपको फ्रेंड्स स्क्रॉल करते हुए नीचे स्टेप थ्री पर आना है। स्टेप थ्री पर आने के बाद फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है गूगल अकाउंट, अब आपको फ्रेंड्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, अब आपका यहाँ पर गूगल अकाउंट ओपन हो जाता है। अब आपको फ्रेंड्स डाटा एंड प्राइवेसी पर क्लिक करना है। डाटा एंड प्राइवेसी पर आने के बाद फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है। फ्रेंड्स, अब आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स, आपको एक ऑप्शन मिलता है डिलीट योर गूगल अकाउंट। फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपके सामने फ्रेंड्स कुछ तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपको अपने जीमेल आईडी का पासवर्ड को डालकर यहाँ पर कंफर्म करना है। पासवर्ड डालने के बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स, अब आपको फ्रेंड्स दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप फ्रेंड्स अपने अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो आपको फ्रेंड्स इन दोनों ऑप्शन को टिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, अब आपको ऑप्शन मिलता है डिलीट अकाउंट। जीमेल अकाउंट को परमानेंट डिलीट करने है फ्रेंड्स, अब आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मेरी जीमेल आईडी डिलीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, प्रकार से आप अपनी जीमेल आईडी को हमेशा डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।